Welcome back to Imran Khan Biology. Today's topic for discussion is gastrointestinal tract. आज के इस टॉपिक में हम GIT का हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, हम GIT का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. अच्छा, GIT स्टार्ट करने से पहले gastrointestinal tract को शॉर्ट वर्ड्स में GIT भी कहते हैं. ठीक है, GIT, इट इज ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक. गैस्ट्रो मीन्स स्टमक और इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को कहते हैं. तो GIT में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में माउथ से लेकर एनस तक टोटल जो भी ट्यूब्स हैं, ठीक है, स्टमक है इसके अंदर, ऑसोफेगस है इसके अंदर. ठीक, अभी हम पढ़ेंगे इस टोटल को माउथ से लेकर एनस तक हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इसे हम कहते हैं. तो आज के इस टॉपिक में हम इसका हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे. सबसे पहले अगर मैं ऑसोफेगस, लेट सपोज ये हमारे पास ऑसोफेगस है, ये ऑसोफेगस, ऑसोफेगस का स्टमक का स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट, इनकी हिस्टोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन ऑलमोस्ट इनका स्ट्रक्चर, इनकी हिस्टोलॉजी सेम है. हम क्या करेंगे, हम ऑसोफेगस को या स्टमक को हम इसको काट कर मैं आपको इस तरह इसके सामने रखूंगा. ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं ऑसोफेगस को इस तरह काट कर आपके सामने रखूंगा. तो मैं इसका डायग्राम यहां पे बना रहा हूं. ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, मैं स्ट्रक्चर को बड़ा बनाने के लिए मैं सिर्फ ये रफ कर रहा हूं. अच्छा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर से स्टार्ट करेंगे. दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, ये ऑसोफेगस का स्टमक का या लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन का ये सबसे इंटरनल लेयर है. ठीक हुआ, ये सबसे इंटरनल लेयर है और ये लेयर बना होता है एपिथेलियम से. किस चीज से बना होगा, एपिथेलियम. तो ये एपिथेलियल लेयर है. ठीक है, इट्स अ एपिथेलियम, ये एपिथेलियम है. ये एपिथेलियम, अब ये एपिथेलियम का एक लेयर भी हो सकते हैं और इसके मल्टीपल लेयर भी हो सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इट डिपेंड्स. अब ओसोफेगस में हम पढ़ेंगे कि इसमें सिंगल लेयर या मल्टीपल लेयर, इसी तरह स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में हम टोटल पढ़ेंगे. ठीक, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है इसे हम कहते हैं एपिथेलियम है, इट्स एपिथेलियम. अब ये एपिथेलियम के अंदर जो होलो ट्यूब है, ये ट्यूब जो अंदर, ठीक है, अंदर से खाली है बिल्कुल. मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ऑसोफेगस को काट कर आपके सामने रखा हुआ है, अंदर आपको ट्यूब नजर आएगा. ठीक है, और इस ट्यूब को कहते हैं ल्यूमन. ये ट्यूब क्या होगा, ये ल्यूमन होगा, इट्स अ ल्यूमन. अच्छा, बॉडीज के अंदर एक कैविटीज होते हैं और एक ल्यूमन होते हैं. ल्यूमन क्या होंगे, ल्यूमन जब भी कोई होलो स्ट्रक्चर होगा किसी ट्यूब के अंदर, लेट्स सपोज ऑसोफेगस लेंथी होते हैं, उनके अंदर जो होलो स्ट्रक्चर होगा, उनके अंदर जो कैविटी होगा उसे हम कहेंगे ल्यूमन. ठीक, उसके अलावा बाकी एब्डोमिनल कैविटीज ये क्या होते हैं, ये ट्यूब के अंदर नहीं होते हैं, उसे हम कैविटीज कहेंगे, या थोरेसिक कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी. ठीक, वो कैविटीज होते हैं. इसी तरह इंटेस्टाइन के अंदर ये भी ल्यूमन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन कभी ल्यूमन होगा. ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ल्यूमन. एम्प्टी स्पेस किसी ट्यूब के अंदर, एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलेंगे, ल्यूमन बोलेंगे. सो इट्स अ ल्यूमन, ये ल्यूमन है और ये एपिथेलियम सेल से बना हुआ है. एपिथेलियम सेल्स के अंदर जो ये होलो स्पेस है, हम कहेंगे ल्यूमन, इट्स अ ल्यूमन. ठीक, अच्छा, अब यहां पे क्या होगा, ल्यूमन के बाहर होगा, ल्यूमन के बाहर आपको एक कनेक्टिव टिश्यू नजर आएगा. ल्यूमन के बाहर आपको एक कनेक्टिव टिश्यू नजर आएगा, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू, इसे कहते हैं लेमिना प्रोप. ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, लेमिना प्रोप्रिया. ठीक है, इट्स अ लेमिना प्रोप्रिया. लेमिना प्रोप्रिया इज अ कनेक्टिव टिश्यू, लेमिना प्रोप्रिया इज अ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है. और इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होंगे. ठीक, मैं यहां पे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स बना रहा हूं, इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, ये लेमिना प्रोप्रिया के अंदर. इसके अंदर और क्या होंगे,
इट कंटेन्स लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेसल, इसके अंदर लिम्फेटिक वेसल होते हैं ठीक, और इट कंटेन्स नर्व्स, इसके अंदर नर्व्स भी होंगे ठीक है, ये आपके नर्व्स भी बनाएंगे ठीक, नर्व्स होंगे इसके अंदर, ये नर्व्स ठीक, ये नर्व्स ठीक, और इसके बाद यहां पे लिम्फ डक्ट्स भी होंगे ठीक है, लिम्फ वेसल्स, दीज आर द लिम्फ वेसल्स ठीक है, लिम्फ वेसल्स है। लेमिना प्रोप्रिया इज अ कनेक्टिव टिश्यू और इनके अंदर ये चीजें भी मौजूद होते हैं। अच्छा, अब लेमिना प्रोप्रिया से बाहर, लेमिना प्रोप्रिया से बाहर क्या होगा, जो तीसरे नंबर पे होगा वो एक मसल होगा, वो क्या होगा, वो एक मसल होगा, और ये मसल ऐसे होगा, इस मसल को मैं इससे बना रहा हूं, ये मसल है, थर्ड लेयर इज अ, ये मसल है, इसे हम कहते हैं मस्कुलारिस म्यूकोसी, क्या बोलेंगे, मस्कुलारिस म्यूकोसी इसका नाम है ठीक, मस्कुलारिस मस्कुलारिस म्यूकोसी, MUCOSAE, मस्कुलारिस म्यूकोसी, ये थर्ड लेयर है, इट्स अ थर्ड लेयर। अच्छा, अब यहां पे इन तीनों को मिलाकर एपिथेलियम को, लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलारिस म्यूकोसी को मिलाकर, हम तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं म्यूकोसा, क्या बोलेंगे, म्यूकोसा। तो हम कहेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कंसिस्ट ऑफ अ म्यूकोसा, ये म्यूकोसा से बना होगा ठीक है, किस चीज से बना होगा, म्यूकोसा, और म्यूकोसा के अंदर ये तीनों चीजें आएंगी, एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलारिस म्यूकोसी, ये म्यूकोसा के अंदर तीनों है। तो हम कहेंगे द इंटरनल मोस्ट लेयर इज द म्यूकोसा एंड विच इज मेड ऑफ एपिथेलियम, अ कनेक्टेड टिश्यू लेमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलारिस म्यूकोसी, ठीक है, ये इन तीनों लेयर से बना होगा। ये बात हो रही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की ठीक। अच्छा, नंबर टू, नंबर टू ये किस चीज से बना है, GIT किस चीज से बना है, मस्कुलारिस म्यूकोसी के बाहर है आपको एक कनेक्टिव टिश्यू नजर आएगा ठीक, फोर्थ नंबर पे आपको क्या नजर आएगा, एक कनेक्टिव टिश्यू नजर आएगा, इट्स अ नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, ये ब्लैक में बना रहा हूं, ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसे कहते हैं सब म्यूकोसा, इसे क्या कहेंगे, सब म्यूकोसा ठीक, सब म्यूकोसा। सो नंबर टू, सब म्यूकोसा, GIT एक म्यूकोसा से बने, और नंबर टू ये सब म्यूकोसा से बने, ये सब म्यूकोसा है, व्हाट इज सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू, ये भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ठीक है, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू, और इसके अंदर क्या मौजूद होंगे, इसके अंदर भी लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स ठीक है, इसी तरह इसके अंदर भी ब्लड वेसल्स, मैं बना रही यहां पे ब्लड वेसल्स ठीक, और इसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स, दीज आर लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स वगैरह इसके अंदर मौजूद होंगे ठीक है। तो ये क्या है, सब म्यूकोसा, सो सेकंड मोस्ट लेयर इज सब म्यूकोसा, नंबर वन म्यूकोसा, नंबर टू सब म्यूकोसा, तो सब म्यूकोसा इसके बाहर होगा ठीक है, ये सब म्यूकोसा है। नंबर थ्री, इसके बाहर जो है सब म्यूकोसा के बाहर स्मूथ मसल के लेयर होंगे, किस चीज के लेयर होंगे, स्मूथ मसल के लेयर। अब मैं स्मूथ मसल को दोबारा ब्लैक से बना रहा हूं, चलो मैं इसको ब्लू से ही बनाता हूं, स्मूथ मसल के लेयर होंगे, एक स्मूथ मसल के लेयर इस तरह का होगा, ये स्मूथ मसल के लेयर इस तरह का बना होगा, और ये कैसे होगा, लेट सपोज दिस इज ओसोफेगस, ये स्मूथ मसल के लेयर इसके ऊपर ऐसे ठीक है, क्या होगा, सर्कुलर फॉर्म में होगा, तो हम क्या कहेंगे, ये सर्कुलर स्मूथ मसल है, ये क्या होगा, ये स्मूथ मसल सर्कुलर लेयर में ठीक है, स्मूथ मसल सर्कुलर लेयर में, स्मूथ मसल जो कि सर्कुलर लेयर में, सर्कुलर ठीक है, ये सर्कुलर फॉर्म में, ये ओसोफेगस ये सर्कुलर फॉर्म में ठीक, ये स्मूथ मसल। इसके बाद इसके बाहर जो लेयर होगा वो भी मसल का होगा, लेकिन वह भी मसल
डिफरेंट फॉर्म में है। किस फॉर्म में? वहां पे मसल जो है वो आपको इस फॉर्म में नजर आएंगे। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में नजर आएंगे, लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनल होंगे। वो सर्कुलर है और ये वाला लेयर ये लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक, ये लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में होंगे। मैं इसके जरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बना दूं। इट्स अ स्मूथ मसल लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, आप इसको यहां पे लिख सकते हैं, स्मूथ मसल लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, ये लंबाई में होंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वो सर्कुलर है और इसके बाहर वाला ये लॉन्गिट्यूडनल है। अब एक ये वाला इंटरनल मसल था और ये दो लेयर ये एक्सटर्नल मसल के हैं। इसे कहते हैं मस्कुलारस एक्सटर्ना। क्या बोलेंगे? मस्कुलारस एक्सटर्ना। ये मस्कुलारस ये इंटरनल वाला है ना, अंदर वाला है। ठीक, जिसको हमने क्या नाम दिया था, मस्कुलारस म्यूकोसी का। ठीक है, और ये वाला जो मसल है, ये दो लेयर्स, ये क्या होगा, इन्हें कहते हैं मस्कुलारस एक्सटर्ना। इसे क्या बोलेंगे? मस्कुलारस एक्सटर्ना। सो नंबर थ्री इज मस्कुलारस एक्सटर्ना। मस्कुलारस एक्सटर्ना, ये मस्कुलारस एक्सटर्ना है। तो हम कहेंगे जीआईटी के तीन लेयर से अभी तक हमने पढ़े म्यूकोसा, जो कि तीन लेयर से मिलकर बना है। ठीक, उसके बाद सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलारस एक्सटर्ना। मस्कुलारस एक्सटर्ना दो लेयर से बना है। ठीक, और ये क्या होगा, एक सर्कुलर होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल होगा। अच्छा, कभी कभार अब स्टमक में तीन लेयर्स होते हैं, इस वाले मसल की कितने, तीन लेयर्स होंगे। एक ओब्लीक होगा, एक अरेंजमेंट क्या होगी इसकी, ओब्लीक शेप होगी। तो स्टमक में ये वाली अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, वहां पे तीन लेयर्स होंगे इस मसल के। ठीक है, तीन लेयर्स होंगे, यहां पे हम दो है। ठीक, नंबर फोर्थ इज द आउटर मोस्ट, द आउटर मोस्ट कवरिंग। जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, लास्ट वन, ये ब्लैक से बना रहा हूं, ये ब्लैक से बना रहा हूं, इसे क्या कहेंगे, अगर ये ओसोफिगस है, अगर ये ओसोफिगस है तो ओसोफिगस में से हम कहेंगे एडवेंशिया। क्या बोलेंगे? फोर्थ वन इज एडवेंशिया। द फोर्थ लेयर या द आउटर मोस्ट लेयर इज एडवेंशिया, ये एडवेंशिया है। ठीक, एडवेंशिया। अगर ये स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां पे इसे हम क्या कहेंगे, सिरोसा। वहां पे इसे हम क्या बोलेंगे, सिरोसा। ठीक है, एडवेंशिया और सिरोसा। सो एडवेंशिया सिर्फ ओसोफिगस में सेम एडवेंशिया कहेंगे, बाकी स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सिरोसा कहते हैं। आसान अल्फाज में, अगर कैविटी के अंदर ये आउटर लेयर मौजूद हैं, कैविटीज, अब स्टमक में कैविटी में आ रहे हैं। ठीक, इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एबडोमिनल कैविटीज में आ रहे हैं, वहाँ पर हम इसे सिरोसा कहते हैं, और बाकी ओसोफिगस कैविटी में नहीं आ रहा, इसे हम एडवेंशिया कहेंगे। इट्स एडवेंशिया, ये हुआ एडवेंशिया। ये इसका टोटल स्ट्रक्चर हुआ, किस चीज़ का, ये हमने स्ट्रक्चर बनाया जी आई टी का, ये इसका टोटल स्ट्रक्चर है। हम क्या करेंगे, अभी मैं क्या करूंगा, इसको थ्री डी शेप यहां पर दे रहा हूं, अब ये इसके 3D लुक हुआ। हम क्या करेंगे, इसको अभी हम इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम GIT के कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे और वहां पे हम इसको मजीद डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन आपको ये चार लेयर जरूर याद होने चाहिए, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर एक्सटर्ना, एडवेंशिया या सिरोसा। ठीक, ये चार लेयर ये आपको याद होने चाहिए। हम क्या करेंगे, अभी GIT का कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे। ठीक, सो
So let's draw the structure of GIT. The small intestine, the large intestine, और ये एनस। अच्छा, ये भी टोटल जीआईटी कम्युनिटी का स्ट्रक्चर बना है। ऑटोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, ड्यूडेनम, जेजिनम, इलियम, ठीक, ये लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, एसेंडिंग ट्रैक ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड कर्व, और ये एनल कैनाल। अभी हम क्या करेंगे, आप इसको डिटेल से हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने शुरू किया, पिछले स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर से शुरू किया, फिर हमने इसको बाहर तक पढ़ा, ठीक है, हमने इसको इंटरनली शुरू किया, इंटरनली, और फिर हमने इसको बाहर तक पढ़ा। सो यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंटरनल लेयर है वो एपिथेलियम, हम पढ़ चुके हैं कि वो किस चीज का बना हुआ, वो एपिथेलियल सेल्स का बना हुआ है, ठीक, एपिथेलियल सेल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एपिथेलियल, अच्छा, अब यहां पे जो एपिथेलियल है, ओसोफिगस में जो एपिथेलियल है वो क्या होगा, वो स्क्वेमस एपिथेलियल होगा। स्क्वेमस एपिथेलियम कैसे होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स ऐसे होते हैं, ये स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स ऐसे होंगे। अगर कहीं आपको वर्ड नजर आए सिंपल स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल मीन्स वन लेयर, सिंपल मीन्स वन लेयर, वो एक सेल का लेयर से बना होगा, जस्ट एक सेल का लेयर होगा, ठीक। लेकिन यहां पे जो एपिथेलियम होते हैं, ठीक है, ऑसोफिगस में जो एपिथेलियम होंगे वो स्ट्रेटिफाइड होंगे, स्ट्रेटिफाइड का मतलब है उसके मल्टीपल लेयर्स होंगे, ठीक, या अगला, इसी तरह या अगला सेल क्या होंगे, इसके मुख्तलिफ लेयर्स होंगे, स्ट्रेटिफाइड होंगे, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स होंगे एपिथेलियम के, इस तरह के मल्टीपल लेयर्स होंगे। तो यहां पे जो एपिथेलियम है, अब मेरे पास इतना स्पेस नहीं है यहां पे, ठीक, आप यहां पे लिखें, इसको लेबल करें कि ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। तो जो एपिथेलियम ऑसोफिगस में वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ठीक, एपिथेलियम के मल्टीपल लेयर्स होंगे, एक लेयर नहीं होगा, अगर एक लेयर होगा वो सिंपल होगा, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ऐसे होंगे, ठीक। अब इसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, स्क्वेमस, ये स्क्वेमस, ठीक है, स्क्वेमस है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, एस क्यू यू ए एम ओ यू एस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अच्छा, इसके बाद जो स्टमक में एपिथेलियम है वो क्या होगा, वो कॉलम शेप होगा, कॉलम, ये कॉलम इस तरह होते हैं, ये कॉलम, कॉलम इस तरह होते हैं, ठीक हुआ। अब यहां पे कॉलम की सिर्फ एक ही लेयर होगा, इसे हम क्या कहेंगे, एक को सिंपल कहते हैं, ठीक है, तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम क्या होगा, स्टमक में सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होगा, कॉलम शेप होगा, ठीक, सिंपल कॉलमनर, ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तो स्टमक में सिंपल कोलमनर और ऑसोफेगस में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, तो सिंपल कोलमनर होगा। अब बाकी यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सिंपल कोलमनर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सिंपल कोलमनर होगा, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिंपल कोलमनर और लार्ज इंटेस्टाइन में भी सिंपल कोलमनर होगा, ठीक, इन तीनों में सिंपल कोलमनर होंगे।
ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एपिथेलियम ऑफ ओसिफिगस इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस व्हाइल स्टमक इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन हैव अ सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम, उनके अंदर सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम होते हैं। ये तो हमने एपिथेलियम का पढ़ा। अब यहाँ पे एक और सेल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल इज म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स, गोबलेट सेल म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम के साथ गोबलेट सेल्स भी होंगे, ठीक है। ये सिंपल कोलुमिनर में बना रहा हूं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे ब्लू में बना रहा हूं गोबलेट सेल। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में गोबलेट सेल मौजूद होंगे, ठीक है, इट्स अ गोबलेट सेल। तो यहाँ पे म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होंगे, ठीक है, गोबलेट सेल्स, ये गोबलेट सेल्स हैं, ठीक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं गोबलेट सेल्स, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे ओसोफिगस और स्टमक इनके दरमियान एक स्फिंक्टर होगा, इसे कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ये क्या होगा, ये कार्डियक स्फिंक्टर है, ये कार्डियक स्फिंक्टर है, और इसके बाद यहां पे स्टमक और ड्यूडेनम के दरमियान एक स्फिंक्टर, इसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसे हम बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक। इसके बाद यहां पे एक स्फिंक्टर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, इसे हम कहते हैं इलियोसीकल स्फिंक्टर। इलियोसीकल स्फिंक्टर होगा। अच्छा, एपिथेलियम का क्या होगा, एपिथेलियम में यहां पे जो एनल कैनाल है, ठीक, एनल कैनाल के करीब भी वो क्या होगा, वो भी सिंपल नहीं, वहां पे क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होगा। यहां पे क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होगा, ठीक है। एनल कैनाल में क्या होगा, एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस मोस्टली, और बहुत कम मिकदार में क्यूबॉइडल भी होगा, क्यूब शेप एपिथेलियम, ठीक है, क्यूब शेप्ड बिल्कुल क्यूब शेप्ड एपिथेलियम होगा, ठीक है। सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्लस क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो एनल कैनाल में क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्लस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होगा, ठीक, और बाकी वो। अच्छा, ये स्फिंक्टर की बात हो रही है, इलियोसीकल स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, और ये कार्डियक स्फिंक्टर, ये कार्डियक स्फिंक्टर हुआ। ये क्या है, ये ओसोफेगस, स्टमक, ये ड्यूडेनम, ठीक है, ये जेजनम, ये इलियम, ये, ठीक है, ये सीकम, एसेंडिंग ट्रैक ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स ट्रैक, ये डिसेंडिंग ट्रैक, सिग्माइड, और ये एनल कैनाल, ठीक है, ये हुआ एनल कैनाल। ये इसका टोटल स्ट्रक्चर है, इसका जीआईटी का टोटल स्ट्रक्चर है। अच्छा, यहाँ पे चंद और स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बता दूं, इस क्यूमस एपिथेलियम पे जो कि कहाँ पे मौजूद होगा, जो यहाँ पे मौजूद होगा उसी फिगर्स में, इन पे छोटे छोटे माइक्रोविलाई होते हैं। ये क्या होंगे, ये माइक्रोविलाई है, ये माइक्रोविलाई, तो हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के ऊपर माइक्रोविलाई मौजूद होगा, ठीक है, और माइक्रोविलाई क्या करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा ताकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाए, माइक्रोविलाई। और लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होगा, क्या होगा, विलाई होगा। अब विलाई और माइक्रोविलाई में क्या फर्क है, विलाई और माइक्रोविलाई में ये फर्क है, जब लेमिना प्रोप्रिया, जो हमने सेकेंड ईयर पढ़ा था लेमिना प्रोप्रिया, जब ये लेमिना प्रोप्रिया मैंने ब्लू से बनाया था, जब लेमिना प्रोप्रिया थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा, प्रोट्रूड होगा ऊपर की तरफ, और इस सराउंडेड बाय एपिथेलियम, और इसको एपिथेलियम सराउंड करेगा, ये एपिथेलियम अलग से बना रहा हूं, एपिथेलियम इसको सराउंड करेगा, इसे कहते हैं विलाई, इसे क्या बोलेंगे, ये विलाई है,
ये विलाई है। जब लेमिना प्रोप्रिया स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रोट्रूट करेगा बाहर की तरफ, ये प्रोट्रूट करेगा ठीक, और सराउंडेड बाय एपिथेलियम, और जो एपिथेलियम इसको सराउंड करेगा इसे विलाई कहेंगे, लेकिन वो माइक्रोविलाई है। माइक्रोविलाई फिम्ब्रिन प्रोटीन से बना होगा, एक्सटिन फिम्ब्रिन प्रोटीन से बना होगा ठीक है, फिम्ब्रिन FIMBRIN फिम्ब्रिन प्रोटीन से बना होगा ठीक, और एक्सटिन प्रोटीन से बना होगा। लेकिन विलाई क्या होगा, लेमिना प्रोप्रिया बाहर की तरफ प्रोट्रूड हुआ है, बाहर की तरफ निकले और उसके ऊपर एपिथेलियम है, तो ये क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा ताकि एब्जॉर्प्शन हो जाए, फूड की एब्जॉर्प्शन हो जाए ठीक। तो ये विलाई है, ये हुआ विलाई। अब क्या होगा, इसी विलाई के अंदर लिम्फेटिक वेसल होगा, इसी विलाई के अंदर मैं परफर से बना रहा हूँ लिम्फेटिक वेसल, ये लिम्फेटिक वेसल, इसे कहते हैं लैक्टील ठीक है, जिसके लिम्फेटिक वेसल होगा वो लैक्टील होगा। तो मैक्रो विलाई के अंदर जो लिम्फेटिक वेसल, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम लैक्टील बोलेंगे, इट्स लैक्टील, ये लैक्टील है। तो इसका काम क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना, एब्जॉर्प्शन करना। तो एब्जॉर्प्शन करेगा कौन, एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, एपिथेलियम करेगा। द फंक्शन ऑफ एपिथेलियम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियम, द फंक्शन ऑफ एपिथेलियम इज नंबर वन, अगर मैं एपिथेलियम का फंक्शन पढ़ूं तो नंबर वन इट्स एब्जॉर्प्शन, नहीं एब्जॉर्प्शन से पहले हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन। अब ये एपिथेलियम स्किन, इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट करना। सो नंबर वन फंक्शन ऑफ एपिथेलियम इज प्रोटेक्शन ठीक। नंबर टू ये करेगा क्या, ये एब्जॉर्प्शन करेगा, नंबर टू ये करेगा क्या, ये एब्जॉर्प्शन करेगा, फूड वगैरह की एब्जॉर्प्शन करेगा ठीक। नंबर थ्री ये क्या करेगा, सिक्रीशन, सिक्रीट करेगा, क्या सिक्रीट करेगा, हार्मोन्स और एंजाइम्स ठीक, और म्यूकस, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी म्यूकस। सो व्हाट्स द फंक्शन ऑफ एपिथेलियम, प्रोटेक्शन ठीक है, नंबर टू एब्जॉर्प्शन, नंबर थ्री सिक्रीशन, क्या क्या सिक्रीट करेंगे, एंटीबॉडी सिक्रीट करेंगे ठीक, और इसके अलावा एंटीबॉडीज करेंगे क्या, एंटीजन के खिलाफ लड़ेगा, माइक्रोब्स के खिलाफ लड़ेगा ठीक है, पैथोजन के खिलाफ लड़ेगा, और इसके अलावा हार्मोन सिक्रीट करेगा, एंजाइम्स सिक्रीट करेगा और एंटीबॉडीज सिक्रीट करेंगे ठीक। ये काम किसका है, ये एपिथेलियम का काम है सिक्रीशन करना, सिक्रीट करना, ये एपिथेलियम का काम हुआ सिक्रीशन करना ठीक। अब इसके अलावा ये वो टोटल स्ट्रक्चर किस चीज का, ये आपके जीआईटी का टोटल स्ट्रक्चर है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्लैंड्स पढ़ेंगे, कौन कौन से ग्लैंड्स का कहाँ मौजूद होते हैं ठीक है, हम यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टडी सम ग्लैंड्स हियर, में ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं और ये कैसे होते हैं। अब अगर लेमिना प्रोप्रिया से लेट सपोज मैं यहां पे कहता हूं कि मैं इसको ब्लू से बनाता हूं, ब्लू से। अब ये क्या होगा, अगर ये यहां पे सिक्रीशन हो रही है और ये आ रहे हैं लेमिना प्रोप्रिया से, ये लेमिना प्रोप्रिया से आ रहे ठीक, इसके इसका डेप्थ इसकी जड़े कहाँ तक है, इसकी जड़े लेमिना प्रोप्रिया तक है, इस ग्लैंड की जड़े कहाँ तक है, लेमिना प्रोप्रिया तक। अगर इस ग्लैंड की जड़े लेमिना प्रोप्रिया तक है, इसे हम कहते हैं म्यूकोसल ग्लैंड, ये क्या होंगे, ये म्यूकोसल ग्लैंड होंगे, ये क्या होंगे, इट्स ए म्यूकोसल ग्लैंड ठीक है। हम इसे बनाएंगे लेट्स सपोज हम इसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है। इसको मैं अगर बड़ा करके बना दूं ये इस तरह का होगा, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसके अंदर सेल्स होंगे, कौन कौन से सेल्स होंगे, यहां पे सेल्स हैं, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल, एक पैराइटल सेल, पैराइटल सेल, पैराइटल सेल का फंक्शन क्या है, एसिड रिलीज करना, क्या रिलीज करना, एसिडिटी ठीक है, जो मैदे में एसिडिटी होती है ना वो पैराइटल सेल रिलीज करते हैं, एचसीएल रिलीज करेगा ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एचसीएल। और नंबर टू ये रिलीज करेगा इंट्रिंसिक फैक्टर्स, क्या रिलीज करेंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर्स प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ये कौन करेंगे, पैराइटल सेल, PERI ठीक है, पैराइटल सेल इसको रिलीज करेंगे। नंबर टू यहाँ पे सेल्स होंगे, उन्हें कहेंगे चीफ सेल्स, क्या बोलेंगे, चीफ सेल्स, ब्लैक में बना रहा हूं, ये चीफ सेल है
और चीफ सेल क्या रिलीज करेगा, चीफ सेल रिलीज करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, चीफ सेल रिलीज करेगा एंजाइम्स और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पे मौजूद होंगे स्टमक के अंदर, ठीक हुआ, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड मौजूद होंगे। अच्छा, चंद ग्लैंड यहाँ पे मौजूद होंगे, मैं स्ट्रक्चर को जरा पूरा बनाऊं। अच्छा, चंद ग्लैंड यहाँ पे मौजूद है ड्यूडेनम में, ठीक, एक ग्लैंड मौजूद है ड्यूडेनम में, इसको मैं ब्लू से बना रहा हूं। और ये ग्लैंड क्या होगा, ये एडवेंशिया से या सेरोसे से बाहर निकलेगा, जो आउटसाइड मोस्ट लेयर था ना सेरोसा, उससे बाहर निकलेगा, ये इस तरह आएगा और आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इसके ब्रांच होगा, ठीक है, और ये ब्रांच इस तरफ जा रहे हैं, ये इसके सामने है, ठीक है, मैं इसको इस तरह बना रहा हूं, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये आएगा यहां पे पेनक्रियास के पास, यहां पे पेनक्रियास है ब्लू, ठीक है, ब्लैक से बना रहा हूं, ये पेनक्रियास, ये पेनक्रियास, अब ये ग्लैंड है, दीज आर ग्लैंड्स, ठीक है, डक्ट्स हैं, इस ग्लैंड को कहते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल ग्लैंड, क्या बोलेंगे, ये एक्स्ट्रा म्यूरल ग्लैंड है, एक्स्ट्रा म्यूरल ग्लैंड, और ये डक्ट कनेक्ट करेगा कहां पे, टू द पेनक्रियास, पेनक्रियास कनेक्ट करेगा, ठीक है, पेनक्रियास है, इट्स अ पेनक्रियास, ये पेनक्रियास, ठीक है। सिमिलरली यहां पे एक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं लिवर, ये लिवर है, ठीक है, ये लिवर के दो लूप्स, एक लूप या अगला लूप, ये ग्लैंड आएगा, ये ग्लैंड को कनेक्ट करेगा टू द लिवर, ठीक हुआ, ये डक्ट, और ये कनेक्ट करेगा टू द, ये लिवर के बैक साइड पे जाएगा और वहां पे स्ट्रक्चर होगा गॉल ब्लैडर, लिवर के बैक साइड पे होगा गॉल ब्लैडर, मैं इसको फ्रंट पे फिलहाल बना रहा हूं, ठीक है, गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर है, ये लिवर, लेफ्ट लूप राइट लूप, ठीक है, लिवर है, लिवर चार लूप से बना है, ठीक है, लिवर और ये गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर का काम क्या है, लिवर जो हार्मोन्स एंजाइम सिक्रीट करेगा प्रोडक्शन के बाद उनको रिलीज करेगा, सबसे पहले वो रिलीज करेगा टू द गॉल ब्लैडर, फिर गॉल ब्लैडर उसको रिलीज करेगा टू द, ठीक है, गॉल ब्लैडर को रिलीज करेगा यहाँ पे और ये आएगा यहाँ पे ड्यूडेनम में एंटर होगा, ठीक है, और वहां से पैनक्रियास के हार्मोन्स और एंजाइम्स आएंगे और वो भी यहाँ पे ड्यूडेनम में एंटर होंगे, ठीक है, तो इस ग्लैंड को हम कहते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल ग्लैंड, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये एक्स्ट्रा म्यूरल ग्लैंड, ये एक्स्ट्रा म्यूरल ग्लैंड है जो कि पैनक्रियास, लिवर और गॉल ब्लैडर को कनेक्ट करते हैं, ये एक्स्ट्रा म्यूरल ग्लैंड है, सो दिस इज एक्स्ट्रा म्यूरल ग्लैंड। और इसके बाद ये क्या होगा, ये टोटल हमने एक्स्ट्रा म्यूरल ग्लैंड का स्ट्रक्चर बनाया जो कि कनेक्ट करते हैं पैनक्रियास, लिवर और गॉल ब्लैडर से, और बाकी हमने इसकी एपिथेलियम वगैरह इसका टोटल स्ट्रक्चर पढ़ लिया, लेकिन एक्स्ट्रा म्यूरल ग्लैंड के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होगा, ये लास्ट लेयर जो सिरोसा होगा, सिरोसे से बाहर निकलेगा, मतलब इतना बड़ा होगा कि सिरोसे से भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और कनेक्शन करेगा टू द पैनक्रियास को कनेक्ट करेगा विद ड्यूडेनम, लिवर को विद ड्यूडेनम एंड गॉल ब्लैडर को ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट करेगा। सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। हमारे लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।